लगभग 95% से मैं तो कहूँगा 99% लोग सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका यही है कि ये फिज़िकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस पैदा करता है, ये एक तरह का एडिक्शन पैदा करता है। जब जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं और कुछ फिर एक ऐसी आदत पड़ जाती है, इसकी टैकीफिलैक्सिस हो जाता है। टैकीफिलैक्सिस मतलब जो चीज़ आपको एक कप चाय पीने से अच्छा लगता है, थोड़े दिनों के बाद डोज बढ़ती जाएगी, 2 कप 3 कप होती जाती धीरे धीरे। तो दोस्तों इससे जो नुकसान होते हैं, तो ये हमारा नुकसान होता है कि इससे एक तो हमारी एंजाइटी होती है, अर्थात एक चिंता की नेचर बन जाती है, हमेशा एक अनसर्टेनिटी की नेचर बन जाती है। क्योंकि इससे दोस्तों हमारे अंदर ये केमिकल निकलता है हमारे दिमाग से जिसे एडिनोसिन कहते हैं। जैसे हम काम करते हैं थकावट पैदा होती है और एडिनोसिन नाम का केमिकल निकलता है दोस्तों। और ये एडिनोसिन नाम का केमिकल ये चाय या कॉफ़ी जो इस पर कैफीन कंटेंट है ना, वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम फ्रेश हैं, पर जब ये एडिनोसिन ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि अगर इससे जो इससे एडिनोसिन निकलती है चाय से कॉफ़ी से वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है, और हार्ट रेट बढ़ती है तो क्या होता है, और इससे अगर आपको थायराइड की बीमारी है या आप वैसे एंजाइटी आपको थोड़ी रहती है तो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। अगर आप चाय को अवॉइड करेंगे तो आपकी लाइफ की जो आपको हार्ट अटैक आने का चांस, स्ट्रोक आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ये हार्ट रेट 1 कप चाय हमारे लगभग हार्ट रेट को 8 बढ़ा देती है और इफेक्ट लगभग 9 से 10 घंटे रहता है। तो अगर आप 3 कप चाय पीते हो तो हार्ट की धड़कन कितनी बढ़ जाएगी, 24 बढ़ जाएगी। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, स्ट्रोक से बचना है, आप नींद अच्छी करना चाहते हैं तो चाय कम से कम 6 घंटा पहले आप नींद से पहले लें, सोने के समय से पहले। अगर आप 6 घंटे के बीच में चाय लें तो आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसमें टैनिन्स होते हैं चाय में जो कि आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देते हैं। आयरन आपको खून की कमी होने लगती है, आपके आंतें धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। GERD एक बीमारी होती है, यहाँ एक वाल्व होता है स्टमक और एसोफेगस के जंक्शन पे, वो वाल्व ख़राब हो जाता है और उससे जो है वो वाल्व ख़राब होने से एसिड ऊपर चढ़ने लगता है, पेट में अल्सर बनने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो हो सके तो चाय को छोड़ दीजिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की बीमारी है तो बिल्कुल आप इससे बचिए। ओम शांति। दोस्तों एक बीमारी जो बहुत कॉमन है आज के समाज में वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसे एसिडिटी भी कह देते हैं दोस्तों आम भाषा में। दोस्तों हमारे जो ग्रास नली है, खाने की जो नाली है मुंह से लेकर के और यहाँ तक डायफ्राम के तक, और उसके नीचे हमारा स्टमक है और इसके बीच में एक वाल्व होता है दोस्तों। पर दोस्तों ये जो वाल्व है ये रिलैक्स हो जाता है, ये हमारा टाइम पे बंद नहीं होता, टाइम पे खुलता नहीं है। तो दोस्तों ये देखने में है कि लगभग हर तीसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है, 35 से 40% लोगों को आज ये GERD है। इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ये वाल्व जो है ऐसे तो इसका कनेक्शन हमारे खाने के टाइम से भी है और इसका कनेक्शन हमारे मन से बहुत ज़्यादा है। जो लोग सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं उनको विचारों की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और जो लोग जल्दीबाजी करते हैं, टाइप ए नेचर के लोग होते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, इच्छाओं का प्रेशर, मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए दोस्तों, ऐसे लोगों की थॉट स्पीड बहुत फास्ट रहती है और वाल्व का उसका कनेक्शन थोड़ा बहुत कनेक्शन इससे रहता है। अगर आप खाने के सोने के 3 घंटे पहले खाना नहीं खाते हैं तो ये वाल्व, जब एसिड वाला खाना उसको टच करता है तो ये वाल्व ख़राब हो जाता है। अगर आपका पेट बहुत मोटा हो गया तो भी ये वाल्व ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इससे क्या होता है, आपके छाती में, क्योंकि वाल्व खुला रहता है तो पेट का एसिड का धुआं छाती में चढ़ता है जिससे आपको छाती में जलन सी महसूस होती है, ये हार्ट के जैसे इसके पीछे, छाती के पीछे, और इससे कई बार ऐसा लगता है कि हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट अटैक आ रहा है, या हार्ट की एसिडिटी हमें ऐसा भ्रम डालती है कि हमें हार्ट की छाती में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ये ऐसी बीमारी जिसके नाम छोटा है कि तो काम नुकसान ज़्यादा करती है। मन को राजयोगा मेडिटेशन से आप अपने आप को, मन को एकदम रिलैक्स रखिए, वर्तमान में रहिए और फीलिंग प्रूफ बन जाइए। एक्सपेक्टेशन बंद करके एक्सेप्ट करना शुरू करिए लोगों को और उनके व्यवहार को। तो एक एक करें। दूसरी बात, टाइम पर खाना खाना शुरू करिए। सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, लंच 1 से 2 के बीच में, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में। सोने के 3 घंटे पहले आप खाना खाएँ, शाम खाना थोड़ा सा खाइए, तो इससे कि आपका सोने से पहले पेट खाली हो जाएगा और आपको एसिडिटी की बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसके लिए याद रखें हाई फाइबर फूड, समय पर खाना खाएं और स्ट्रेस फ्री होने के लिए मेडिटेशन करें।